वॉचिंग उज्जवल कुमार सन यूट्यूब चैनल। आपने जो टाइटल पढ़ा बिल्कुल सही पढ़ा, मतलब मैं आजकल ढूंढ रहा हूँ भाई क्या मेन, एक मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उसको पकड़ता हूँ आजकल। तो वो कौन सा एक वर्ड है जो आपको अपने दिमाग से डिलीट कर देना चाहिए? अगर डिलीट कर दोगे जितना जल्दी करोगे उतने खुश रहोगे आप। तो बात करते हैं इस वर्ड को आने, मतलब इस वर्ड को बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा एक्चुअली में मैं क्या समझाना आपको चाह रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ ये वर्ड आपको खत्म करना चाहिए। देखिए मान लो आप दो रूम, एक रूम में दो बंदे रहते हो आप, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप बाहर रहते हो, रूम पार्टनर एक आप रहते हो, आप बहुत केयर करते हो अपने रूम पार्टनर के, राइट। रूम पार्टनर सोया पड़ा है, कोई बात नहीं, उसके लिए खाना बनवा के दे रहे हो या फिर मंगवा के दे रहे हो या फिर आप रूम साफ कर रहे हो या फिर उसे कपड़े साफ कर दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी कर सकते हो, या उसने जो बोला ला के दे रहे हो। ऐसे आपने 30 डेज तक करा, ध्यान सुनना स्टोरी को, 30 डेज तक आपने ऐसा करा। 30 डेज करने के बाद आपको क्या लगेगा कि मैं इसके लिए इतना कुछ कर रहा हूं, इसको भी मेरे लिए कुछ करना चाहिए। यहीं पर गड़बड़ होता है, इसको भी मेरे लिए कुछ करना चाहिए। ये सिर्फ स्टोरी है, स्टोरी में नहीं है, हर जगह है। मैं इतना पढ़ाई कर रहा हूं, मुझे भी इससे कुछ मिलना चाहिए। मैं इतने मेहनत कर रहा हूं बिजनेस में, मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। मैं उसको हेल्प कर रहा हूं, उसको ही मुझे हेल्प करना चाहिए। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं या कर रही हूं, मुझे भी ऑर्गेनाइजेशन को देखना चाहिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को मुझे भी देखना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जब हम कोई काम करते हैं, हम क्या करते हैं, एक्सपेक्ट कर लेते हैं दूसरा बंदा भी हमारे लिए काम करे। यहां पर हम क्या करते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ को अप्लाई करते हैं। इस लाइफ में, मतलब हमारे लाइफ में, अगर आप इस वर्ड को, एक्सपेक्टेशन को डिलीट कर दोगे आप अपने दिमाग से, अपने दिल से, आप बहुत खुश रहोगे। अक्सर लोग परेशान कब होते हैं, जब उनका एक्सपेक्टेशन होता है और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चीजें नहीं होते हैं। जैसे मान लो क्या, मैंने अच्छा पेपर दिया, मेरा एक्सपेक्टेशन है इतने मार्क्स आने का, और मेरा इतना अच्छा मार्क्स नहीं आया तो क्या होगा? आप बोलोगे पढ़ के कोई फायदा नहीं है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर आप एक्सपेक्टेशन रखते ही नहीं और बिना एक्सपेक्टेशन के काम करते तो क्या होता, आपको कोई परेशानी, प्रॉब्लम नहीं होते। तो सारे प्रॉब्लम का जो रूट क्या है, एक्सपेक्टेशन है। इसको आप क्या करो, अपने दिमाग से हटा लो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक्चुअली जहां पर इससे दो ऑर्गेनाइजेशन के पहले जहां काम, मतलब मेरा सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन जहां पर, जहां मैं काम कर रहा था, तो इन जनरल मैं ज्यादा वर्किंग पसंद करता हूँ। शाम के टाइम मैं वर्क करने जाता हूँ, जूस पीने चला गया आसपास जो मार्केट होते हैं, तो मैं जा रहा था और मैं वहां पर हॉस्टल में था बाकी टीचर्स के साथ। तो शाम को मैं जाता था कभी कभी पैदल जाता था, मतलब बाई वर्क जाता था। तो मेरे को, हमारे प्रिंसिपल, ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल जा रहे थे अपने घर जा रहे थे शायद उस टाइम, तो बोले कि सर आपको ड्रॉप कर दूँ ना, मैं चला जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं। बोले सर बहुत सही है आपने सोचा कि आपको एक्सपेक्टेशन नहीं है किससे भी। तो मेरे को उस टाइम तक पता नहीं था इसके बारे में, लेकिन मैंने उसको डेप्थली सोचा, बोले हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और मैंने फिर धीरे धीरे एनालिसिस करा कि सारे प्रॉब्लम का जो रूट है वो क्या, एक्सपेक्टेशन है। उसको अगर हटा दिया जाए तब लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, राइट। अब एग्जांपल ले लो, कहीं भी आप पढ़ाई कर रहे हो एक्सपेक्टेशन है कोई दिक्कत नहीं, घर में काम कर रहे हो एक्सपेक्टेशन नहीं है कोई दिक्कत नहीं, प्रिपरेशन कर रहे हो एक्सपेक्टेशन नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लाइफ में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। तो सारा प्रॉब्लम का, सारे आपके ओवर थिंकिंग का जड़ क्या है, एक्सपेक्टेशन है। ओवर थिंकिंग भी एक तरह का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरा, क्या होगा। तो ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज आपके अंदर एक्सपेक्टेशन होता है। तो देखिए इजीली इसको हटाना मुश्किल होता है, मेरे लिए फिलहाल बोलना आपके लिए आसान है क्योंकि मैंने बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूं इस चीज को। अगर आप इस चीज को प्रैक्टिस करो, समझो, प्रैक्टिकली इसको दिमाग में भर लो, तो आप भी कोई भी तरह का ओवरथिंकिंग के प्रॉब्लम से बच जाओगे और अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय करोगे, राइट। सो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया, एंड डेफिनेटली आपको क्या करना है आपको पता है, लाइक करना, शेयर करना है, कमेंट करना है। और डेफिनेटली आपके दिमाग में कोई और सजेशन है, कोई और टॉपिक है, आप नीचे कमेंट करो। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू टू हेल्प यू, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, एंड सी यू सून माई नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल। बाय।